में बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीए का विरोध करने वालों पर जमकर हमला बोला है। साथ ही साथ अमित शाह ने विपक्ष पर सीए को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप भी लगाया और उन्होंने साफ कर दिया कि किसी भी हाल में अब सीए वापस नहीं होगा। यह उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया है। एंटी मुस्लिम कैसे है कि आप सिर्फ मुसलमानों को एक उसको आपने क्राइटेरिया बना दिया, ये मैं वो कह रहे हैं, क्राइटेरिया ये बना है कि जिस पर धार्मिक प्रताड़ना होती है इसको देंगे, और अगर वो मुसलमान और भारत तो के पुराने हिस्से से मुसलमानों पर इसलिए धार्मिक प्रताड़ना नहीं हो सकती कि तीनों देश घोषित इस्लामी स्टेट है। कौन करेगा धार्मिक प्रताड़ना, कौन करेगा इस्लाम के अनुयायियों के साथ? ये तीनों देश घोषित इस्लामिक स्टेट इनके नाम के अंदर है, इनके संविधान में है। सीए का कानून कभी वापस नहीं जाएगा और भारत की नागरिकता सुनिश्चित करना ये भारत का विषय है, भारत की संप्रभुता का निर्णय है, इसके साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो गृह मंत्री ने साफ साफ चेताया है, उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर सीए वापस नहीं होगा और इस बीच सीए पर सियासत तेज हो गई। असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं, पिनरई विजयन पहले ही कह चुके हैं और अमित शाह ने हालांकि ये दो टूक कह दिया है कि किसी भी तरीके से सीए वापस नहीं होगा और मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। साथ ही साथ आप तीसरी तस्वीर में देख रहे हैं कि किस तरह से जो शरणार्थी हैं वो खुश हैं और किस तरह से वो खुशी का इजहार कर रहे हैं। खासतौर पर आप ये देखिए, मतुआ समुदाय के जो लोग हैं उनमें बेहद खुशी है और बांग्लादेश में रह रहे हैं और जो मतुआ समुदाय है वो उनमें बेहद खुशी है इस खबर के बाद। मॉर्निंग प्राइम में अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत से धुआंधार प्रचार की आज शुरुआत करेंगे। पीएम तमिलनाडु की कन्याकुमारी से प्रचार की शुरुआत करने वाले हैं। प्रधानमंत्री 19 मार्च तक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का दौरा करेंगे, यानी पूरे दक्षिण भारत का उनका दौरा है, तमाम स्टेट्स को कवर करेंगे प्रधानमंत्री। पीएम तेलंगाना में रोड शो भी करने वाले हैं जहां वो विकास की सौगात देकर लोकसभा चुनाव के समीकरण को बीजेपी के पक्ष में करने की कवायद करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी सत्ता की हैट्रिक लगाने और 370 सीटें जीतने में जी जान से जुटी हुई है। तमिलनाडु में एक भी सीट बीजेपी के पास नहीं है, जबकि तेलंगाना की बात करें तो 4 लोकसभा सांसद वहां से हैं। पीएम मोदी का इस साल तेलंगाना का यह दूसरा दौरा है जबकि तमिलनाडु का 4th दौरा है प्रधानमंत्री का। तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटें हैं और तमिलनाडु में 39 यानी 39 लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी के 370 और एनडीए के 400 पार टारगेट के लिहाज से दक्षिण भारत के ये दोनों ही राज्य बेहद अहम है और प्रधानमंत्री का दौरा इन जो अलग अलग स्टेट्स हैं, 5 स्टेट्स दक्षिण भारत की, वहां का दौरा काफी अहम हो जाता है। और मॉर्निंग प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के ठिकानों पर क्यों पड़ी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड, कहीं मचाई। जो भी पके और वहां जो अल्पसंख्यक है उस उन लोगों पर ढेर सारे अत्याचार हो, धर्म परिवर्तन कराए जाए, इनकी महिलाओं को अपमानित किया जाए, वो माँ बहन बेटी के लिए वो शरण में आए भारत की, तो क्या उसको यहाँ नागरिकता का अधिकार नहीं है? और स्वयं कांग्रेस के नेताओं ने आजादी के वक्त सैकड़ों भाषणों में कहा है कि अभी मारकाट चल रही है, अभी जहाँ है वहां रह जाइए, बाद में जब कभी भी भारत में आएंगे आपका स्वागत है। परंतु बाद में इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स चालू है, वोट बैंक की राजनीति चालू है, एपीसमेंट के कारण वो वादा कांग्रेस पार्टी ने कभी पूरा नहीं किया जो आज नरेंद्र मोदी पूरा कर रहे हैं। सर, जो बाकी समुदाय, बाकी जो रिलीजन्स हैं, चाहे हिंदूज हैं, जैन हैं, बुद्ध हैं, सिख हैं, उन सबको तो मैं मानती हूँ, ठीक है, देवर रिलीजन्स बॉर्न इन इंडिया, पर पारसी और अगर आप पारसी और ईसाइयों को ला सकते हैं, उन वो जो रिलीजन्स है, दे वर नॉट बॉर्न इन इंडिया, तो अगर आप पारसी और ईसाइयों को ला सकते हैं तो मुसलमानों को क्यों नहीं? देखिए, मुस्लिम आबादी के लिए ही वो हिस्सा आज भारत का भाग नहीं है, वो भूमि इसीलिए दे दी गई थी। फिर तो हर देश से अव्यवस्था से जो आना चाहिए इसके लिए भारत के दरवाजे खोल लो,
भारत कहां बचता है? अखंड भारत के जो लोग हिस्सा थे और जिन पर धार्मिक प्रताड़ना हुई है उसको शरण देना मैं मानता हूं हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अमित शाह ने विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा अभी सिर्फ सीए लागू किया गया है, इसमें एनआरसी का कोई प्रावधान नहीं है। बिल्कुल, और ना ही किसी की नागरिकता छीनी जा रही है। सीए और एनआरसी दोनों को एक साथ मिलाकर विपक्ष लोगों को कंफ्यूज कर रहा है, गुमराह कर रहा है। ओवैसी साहब पे आ जाती हूं जो आपके हमेशा he speaks against you, तो उनके बारे में वो खुलकर ही कह रहे हैं कि ये एंटी मुस्लिम है। क्या तर्क है आपका? एंटी मुस्लिम कैसे है? कि आप सिर्फ मुसलमानों को एक उसको आपने क्राइटेरिया बना दिया, ये मैं वो कह रहे हैं। क्राइटेरिया ये बना है कि जिस पर धार्मिक प्रताड़ना होती है इसको देंगे, और अगर वो और भारत के पुराने हिस्से से मुसलमानों पर इसलिए धार्मिक प्रताड़ना नहीं हो सकती कि तीनों देश घोषित इस्लामी स्टेट है। कौन करेगा धार्मिक प्रताड़ना? कौन करेगा इस्लाम के अनुयायियों के साथ? ये तीनों देश घोषित इस्लामिक स्टेट इनके नाम के अंदर है, इनके संविधान में है। पर आप, मैं फिर से वही पूछूंगी कि अगर आप ईसाइयों को दे सकते हैं, अगर आप पारसीज को दे सकते हैं जो इस्लामिक नहीं है, और अगर उन पर हो रहा है तो फिर आप Why can't you give it मुसलमानों को क्यों नहीं? देखिए ऐसे तो फिर दुनिया भर से देश में जो आए सबको नागरिकता दे। तो अमेरिका तो करता है ना सबको। हम भी करते हैं, अप्लाई करें वो। वो घुस कर नहीं आ सकते। उनको ऑफिशियल एयरपोर्ट से, ऑफिशियल पोर्ट से, ऑफिशियल लैंड पोर्ट से आने की परमिशन ही नहीं है। इसलिए बेचारे घुस कर आते हैं, शरण में आते हैं। आपका एक वो इंटरव्यू बार बार लूप पे चल रहा है हर जगह कि क्रोनोलॉजी समझिए, सीए के बाद एनआरसी आएगा। देखिए ऐसा है स्मिता जी, सीए का कानून अभी चर्चा पर है, एक, इसमें एनआरसी का कोई प्रोविजन नहीं है। दो, इसमें किसी की नागरिकता छीनने का कोई प्रोविजन नहीं है। तीन, अगर विपक्ष को ये चाहिए कि उनसे चर्चा हो तो कोई भी कानून करने से पहले और बाद में संसद में चर्चा होती ही है। तो दोनों को मिक्सअप कर आप क्या लेना चाहते हो? अभी सिर्फ सीए चर्चा में है। और फिर बात पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सीए को लेकर मुसलमानों को डराने का आरोप लगाया। कहा कि ममता बनर्जी हिंदुओं और मुसलमानों के बीच खाई पैदा करने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी पे आती हूँ। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि बीजेपी जो है ये हिंदू मुसलमान का खेल कर रहे हैं, और उन्होंने कहा ऑडियंस को कहा कि आपकी प्रॉपर्टियाँ छिन जाएंगी, आपके बच्चों का एजुकेशन ख़त्म हो जाएगा, आपको डिटेंशन कैंप में भेज दिया जाएगा, और डिटेंशन कैंप ऑलरेडी हैं। तो ये सीए के ज़रिए 15 से लेके 20 लाख लोगों की सिटीजनशिप छीन ली जाएगी। देखिए मैं ममता जी को करबद्ध निवेदन आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से करना चाहता हूँ। पॉलिटिक्स करने के हजारों मंच है, प्लीज बांग्लादेश से आए हुए बंगाली हिंदुओं का हित मत करिए। आप खुद बंगाली हैं, बांग्लादेश से जो बंगाली हिंदू आए हैं इनको नागरिकता देने के लिए एक कानून है। ममता जी को मैं खुली चुनौती देता हूँ, इस कानून की धारा में से किसी की नागरिकता छीनने की एक धारा वो बता दे सार्वजनिक रूप से। वो खौफ पैदा कर रही है, हिंदू और मुसलमानों के बीच में विखवाद कराना चाहती है, अपनी वोट बैंक का कंसोलिडेशन करना चाहती है। ममता जी इसको मत रोकिए, करने जैसा काम है घुसपैठ रोकिए। नहीं रोक रही है वो, नहीं कर रही, आप हमें कोऑपरेट नहीं कर रही। आसाम में कंप्लीट घुसपैठ हो गया क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है। किस तादाद तक घुसपैठ हुआ है और कब से हो रहा है? देखिए इसके अधिकृत आंकड़े जब तक राज्य कोऑपरेट न करे ढूंढना बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि कलेक्टर के हाथ में पूरा मशीनरी। और डिटेंशन कैंप की बात, अगर वो दिन दूर नहीं है जी, वो दिन दूर नहीं है
कि वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और हम इसको कड़ाई से रोकेंगे। इसीलिए तो आपको चाणक्य कहते हैं पॉलिटिक्स। नहीं नहीं, मैं मानता हूं कि अगर इसी प्रकार की पॉलिटिक्स आप करेंगे, इतने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे के साथ एपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर घुसपैठ होने देंगे, जो शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता देने का विरोध करेंगे, तो जनता आपके साथ नहीं रहेगी। ममता जी को शरणार्थी और घुसपैठिए, दो शब्द के बीच का अंतर ही मालूम नहीं है या जान के नहीं कर रहे। अब मैं तो जो बोलती है वो सच मानता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ मालूम नहीं। सीएए से जुड़ी आज की बड़ी खबर।